एक भगवान की भक्तन कहती है बेटा श्याम अरे मैं तो होती भजन की मोर नाचती मधुबन गंगा जी को सैलाब आ रहा हो ना, जैसे आज रोटी ना दई हो इनकी श्रीमती जी हैं चुपचाप बैठे पीछे है ना, ऊपर हाथ करके जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं तो भगवान की सौगंध है प्यारे, जिन्हें हाथ दिए वो हाथ ऊपर करें, जिन्हें तय ना इनकी मजबूरी है वो मत करें। हाँ और देखो सच्चाई तो ये है कि ऊपर हाथ करके जो तालियां बजाता है ना भगवान का कीर्तन बोलता है उसके सारे पाप उड़ जाते हैं, वो हस्तरेखा भी गड़बड़ चलती होती है ना वो भी ठीक हो जाती है, इसीलिए सभी भक्त बोलेंगे I'm not afraid.
जाइए उसी केंद्र बिंदु पर जहां भगवान की कथा का प्रसंग चल रहा था। सुखदेव जी समझा रहे माताओं बहनों भाई बंधु राजन प्रहलाद को धमकाने लगा हिरण्यकश्यप। कहने लगा अब तो हमें ये बता तेरा राम है तो है कहां, अब हम तुझे मार डालेंगे। अभी तक तो बाल हत्या से डरता था लेकिन आज तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। माता बहनों भाई बंधु इधर जैसे ही मारने के लिए माता बहनों उद्धत होता हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद के पिताजी